नमस्कार दोस्तों, हल्दी के फ़ायदे तो आप सभी ने बहुत जाने होंगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आज की कंडीशन ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं हल्दी का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हल्दी किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये हर एक आदमी तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हल्दी के फ़ायदे को समझते हैं लेकिन नुकसान को नहीं समझते हैं। एब्सोल्यूटली 100% हल्दी फ़ायदेमंद होता है, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। तो याद रखें, इस वीडियो को ध्यान से, बारीकी से समझें, तसल्ली से पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी समझ में आ सके और आप अपनी बीमारी को बढ़ाने की बजाय कम कर सकें। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी होगा। हल्दी, इसे हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, और ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से यूज़ होने वाली एक मेडिसिनल के रूप में बहुत ही कमाल का एक मेडिसिन प्रॉपर्टी रखता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर पाई जाती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिनमें आपको ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर आप नॉर्मल क्वांटिटी में लेना चाहिए। सबसे पहली बात, जिन मरीजों को शुगर होता है, या जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर है, या जिन मरीजों को लो ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे सिचुएशन में इस मेडिसिन का यानी हल्दी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को हम हटा देते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक अलग क्राइटेरिया है और लो ब्लड प्रेशर एक अलग क्राइटेरिया है। तो लो ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स का रहता है, उनको हल्दी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा फॉल करता है, यानी कम करता है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है अगर आप हल्दी का सेवन करेंगे तो। दूसरा, जिनको ब्लड शुगर रहता है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, यानी इंसुलिन ले रहे हैं या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, तो ब्लड शुगर जो लेवल है उसको और कम करता है। ऑलरेडी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद आप हल्दी भी ले रहे हैं, तो ब्लड शुगर आपका एकदम से नीचे जा सकता है, जो आपके लिए बहुत बड़ा बीमारी का बहुत बड़ा आपको एक कारण बन सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसे पेशेंट्स जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी कम है या जो बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी के सेवन से टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ये ऐसा देखा गया है, काफ़ी सारे स्टडीज़ में पता लगा है। इसके अलावा जो लोग टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप हल्दी का सेवन कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा नंबर है, किसी भी पेशेंट को अगर आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, यानी खून की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे पेशेंट्स को हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्दी के सेवन से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। जब आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो पेशेंट की तकलीफ बढ़ेगी कम होने की बजाय, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन जब कम होगा तो ब्लड की कमी, खून की कमी शरीर में और आती जाएगी और पेशेंट परेशान हो जाएगा, पेशेंट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बर्थ जल्दी होने के चांसेस को बढ़ा देती है, यानी कि प्रीमेच्योर बर्थ को ये बढ़ा देती है, इसलिए हल्दी का सेवन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का आप याद रखें। तो प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है, ये आपके मेस्ट्रो साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ये प्रीमैच्योर बर्थ को भी प्रमोट कर सकता है, इसलिए हल्दी का सेवन बहुत सोच समझ के, सावधानी से करें।
कौन सी बीमारियों में, कौन सी कंडीशंस में हमें हल्दी का यूज़ नहीं करना चाहिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला था जिन पेशेंट्स का ब्लड शुगर लो रहता है, जिनका डायबिटीज़ लेवल जो है ब्लड शुगर हाई रहता है और वो कम करने की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं खाएं, क्योंकि ब्लड शुगर जो लेवल है ये कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रेगनेंसी में आपको हल्दी का सेवन नहीं करना है, ये प्रीमेच्योर बर्थ का कॉज बन सकता है। इसके अलावा जिनको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है और ऑलरेडी जिनका टेस्टोस्टेरोन कम है, ऐसी सिचुएशन में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून की कमी है, ब्लड की कमी है, जिनको खून चढ़वाना है या ब्लड बढ़ाना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको हल्दी का सेवन कम करना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा क्लॉटिंग, जिनको सर्जरी हुई है या सर्जरी करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको प्रमोट कर देती है और ये जो ब्लीडिंग फैक्टर्स होते हैं सही तरीके से क्लॉटिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको रोक देती है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको रोकना इसका एक, ये भी कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कि ये भी एक कॉज है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। तो बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी के आपको इस हल्दी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है, इस बात को आप याद रखें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें कितना डेली लेना चाहिए तो नुकसान नहीं करेगा, तो दोस्तों हमें 1/3 भाग यूज करना चाहिए। अगर हमें एक चम्मच है और एक चम्मच का 1/3 भाग अगर हम यूज करते हैं तो हमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल डोज होता है। तो याद रहे, अगर हम इसका ओवर कंजप्शन करते हैं तो आपको हल्दी के ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। याद रहे, ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट आप सभी को कर सकते हैं। छोटे से वीडियो में मुझे लगता है कि काफ़ी सारी नॉलेजफुल जानकारी आप सभी को मिली होगी। वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी होना सभी के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने कितने लोग हल्दी का सेवन कर रहे हैं और इस वीडियो से न जाने कितने लोगों का फ़ायदा हो सकेगा हल्दी के इस महत्वपूर्ण जानकारी के बेसिस पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। हमारे नए चैनल पर अगर आप विजिट नहीं किए तो नए चैनल के लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर भी हम हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड करते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे,